हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरभू पटेल बात करूंगा आपसे स्टूडियो में बाल विकास के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलेगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। और ये हमारा 30 नंबर का मॉक टेस्ट है। 30 में जितने भी प्रश्न आप सही करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने पिछले वीडियो बाल विकास के मॉक टेस्ट के रूप में नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। और MCQs बेस्ड जो है 500 MCQs की सीरीज जो है बाल विकास की, उसको भी देख सकते हैं। डिटेल से जो वीडियो हैं उनको भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना समय गवाए हुए। पहला प्रश्न हमारा समग्रवाद का सिद्धांत कहलाता है। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। देखिए, जो समग्रवाद का सिद्धांत है वो आपका कहलाता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। प्रत्याशा का सिद्धांत दिया है विक्टर ब्रूम, अब्राहम मास्लो, मैक्लिलैंड, पावलोव। प्रत्याशा का सिद्धांत ये दिया है विक्टर ब्रूम ने। कथन है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। कथन है आइजेनक, क्रोएनक्रो, जेम्स ड्रेवर, नन। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है और इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में मिलेंगे। इसका ऑप्शन आपका सी सही है। ये परिभाषा जेम्स ड्रेवर की है। सामूहिकता मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग कौन सा है, यानी सामूहिकता मूल प्रवृत्ति है, इससे संबंधित संवेग कौन सा है? करुणा, आश्चर्य, कृतिभाव, एकाकीपन। तो सामूहिकता मूल प्रवृत्ति है, इसका इससे संबंधित जो संवेग है वो है एकाकीपन। अगला है, कथन है वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। कथन है थॉमसन, बियन झा, जेम्स ड्रेवर, पी जिस्पर्ट। वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन आपका पहला सही, थॉमसन। प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले बच्चों में लेखन क्षमता विकसित करने के संदर्भ में निम्नांकित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उनके मौलिक विचार, उनकी वर्तनी, उनका श्रुतिलेख, उनका उल्लेख, उनका सुलेख। बच्चों में लेखन क्षमता विकसित करने के संदर्भ में निम्नांकित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, इसका ऑप्शन आपका पहला सही है, उनके मौलिक विचार। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, मातृभाषा की लिपि की पहचान करना, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन आपका चौथा सही है, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का यही उद्देश्य है। विद्यालय में शारीरिक दंड पर रोक लगी है, RTE एक्ट 2009, घरेलू हिंसा एक्ट 2009, बाल श्रम निरोधक एक्ट, बाल न्याय एक्ट। देखिए, विद्यालय में शारीरिक दंड पर जो रोक लगी है वो लगी है RTE एक्ट 2009 के अनुसार। अगला प्रश्न, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का विकास का नाजुक समय है। जेम्स ड्रेवर, वैलेंटाइन, रॉस टिपिनन। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है या अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ये कथन किसका है? ये कथन है वैलेंटाइन का। हम लोग जो है ट्रिक के माध्यम से परिभाषाएँ पढ़ चुके हैं। देखिए, अगर आप पर डे वीडियो देखते हैं मेरे तो आपको जो है फ़ायदा ज़रूर होगा बाल विकास में, हिंदी में और EBS में। तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको मैं अच्छी तरीके से कवर कर रहा हूँ, अगर आप इनको देखेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। व्यक्ति की किस अवस्था में सामाजिक सेवा की भावना जन्म लेती है? वृद्धावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। सामाजिक सेवा की भावना जन्म लेती है किशोरावस्था में। सीखना संबंध स्थापित करना है, संबंध स्थापित का कार्य मस्तिष्क करता है। सीखना संबंध स्थापित करना है और संबंध स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क करता है, यह शब्द हैं किसके हैं?
स्किनर के, पावलाव के, थंडाई के, कोहलर के, ये कथन है थंडाई के। चूहे पर प्रयोग स्किनर ने कब किया था? 1938, 1942, 1943, 1946। देखिए हम लोग पहले इसका आप लोग आंसर बता दीजिए क्या होगा। चूहे पर प्रथम प्रयोग था स्किनर का, इन्होंने कब किया था? 1938 में किया था। देखिए हम लोग इस समय जो है मनोविज्ञान के सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जब जाएंगे तो आपको जो है मिल जाएगा मनोविज्ञान के सिद्धांत, तो वहाँ से जो है आप सिद्धांत पढ़ सकते हैं और इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न जो हैं जो आप गलत कर देते हैं उनको सही कर लेंगे। आस बेल के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है अभिग्रहण सीखना, रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, मनोवृत्ति का नियम। तो मनोवृत्ति का जो नियम है ये आस बेल ने नहीं दिया है। ए बिहेवियर सिस्टम पुस्तक है हल की, रास की, पावलाव की, स्किनर की। ए बिहेवियर सिस्टम ये पुस्तक किसकी है? देखिए ये बिहेवियर सिस्टम जो पुस्तक है ये हल की, ऐसा वक्र जिसमें प्रारंभ में उन्नत कम बाद में तीव्र हो जाती है अधिगम वक्र कहलाता है। मिश्रित वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र या कोई नहीं। देखिए ऐसा अधिगम वक्र जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति कम बाद में तीव्र होती है ये होता है उन्नतोदर वक्र। अंशों का सिद्धांत जो अधिगम का है या सिद्धांत दिया है स्किनर, स्पीयरमैन, थंडाइक, जड। जो अंशों का सिद्धांत है ये दिया है थंडाइक महोदय ने। मैथेटिक अभिक्रमित अनुदेशन दिया है गिलबर्ट, अल्पोर्ट, स्किनर, कोहलर। मैथेटिक अभिक्रमित अनुदेशन दिया है ये किसने दिया है? ये दिया है गिलबर्ट महोदय ने। कल हम लोगों ने जो है स्किनर का सिद्धांत पढ़ा था उसमें मैंने इसके बारे में बात की हुई है, आप उसको देख सकते हैं। समस्या समाधान विधि का चरण नहीं है। समस्या को समझना, समस्या के हल की योजना बनाना, समस्या के हल की जांच करना, समस्या को बोलकर सुनना। समस्या समाधान विधि का चरण नहीं है, समस्या को बोलकर सुनना। युसा अप्रेरक है, सामान्य अप्रेरक, सामाजिक अप्रेरक, व्यक्तिगत अप्रेरक या इनमें से कोई नहीं। युत्सा जो है किस प्रकार का अभिप्रेरक है? ये है सामाजिक अभिप्रेरक। क्रच व क्रचफील्ड के अनुसार प्रेरणा का प्रश्न किसका प्रश्न है? कब का, कैसे का, कहाँ का, क्यों का? तो क्रच व क्रचफील्ड के अनुसार जो है, क्रच व क्रचफील्ड के अनुसार प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न होता है। बुद्धि के दो तत्व किसने बताए हैं? थर्स्टन, थंडाइक, गिलबर्ट या गिलफोर्ड या स्पीयरमैन। बुद्धि के दो तत्व बताए हैं स्पीयरमैन ने। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने कब दिया? 1980, 1982, 81, 83। तो बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने 1983 में दिया था। आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण संबंधित है, अनपढ़ के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, दोनों या इनमें से कोई नहीं। आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण जो है ये पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है। अगला है, सर्वप्रथम प्रसिद्ध जर्मन मनोवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने आईक्यू का सूत्र दिया? स्टर्न, टर्मन, क्रूज, साइमन। ये दिया था स्टर्न ने। सामवेगिक बुद्धि के संप्रत्यय से संबंधित है, सामवेगिक बुद्धि के संप्रत्यय से संबंधित है जीन पियाजे, सेलोवी, मेयर, अब्राहम मास्लो, थर्स्टन। सामवेगिक बुद्धि के संप्रत्यय से संबंधित है सेलोवी तथा मेयर। गुड एनफ का ड्रायमैन परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, शक्ति बुद्धि परीक्षण, गति बुद्धि परीक्षण। गुड एनफ जो है ये है एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। आरएस थ्योरी किसने दिया है? स्किनर, पावलोव, कोहलर, वर्दीमर। आरएस थ्योरी जो दिया है ये दिया है स्किनर ने। कल हम लोगों ने इसके बारे में बात की है। टाइप्स ऑफ मैन पुस्तक किसकी है? मार्गन, गिलीलैंड, स्पेंसर, नन। ये दिया है स्प्रिंगर ने।
प्रक्षेपी विधि है TAT, व्यक्तिनिष्ठ, आत्मनिष्ठ या कोई नहीं? TAT। IBT व्यक्तित्व परीक्षण दिया किसने? रोसा, लियोपोल्ड बेलक, मुरे, हल। IBT व्यक्तित्व परीक्षण दिया है रोसा ने। इस प्रकार से हमारे 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। जितने भी प्रश्न आप सही करें कमेंट करके बताइएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू।